हेलो माय डियर चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4. द चैप्टर नेम इज मॉर्निंग ट्री. ओके, इट्स अबाउट द मॉर्निंग ट्री ड्रॉइंग, यानी कि हम जो सुबह सुबह की चाय पीते हैं उसके बारे में है ये ड्रॉइंग. देयर इज अ वन लिटिल बॉय सिटिंग ऑन द चेयर. ओके, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है जो जिसके हाथ में छोटा सा कप लगा हुआ है. ही इज ट्राइंग टू ड्रिंक द ट्री. ओके, क्या कर रहा है ये? ट्री को पीने की कोशिश कर रहा है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू फिल द कलर इन दिस ड्रॉइंग. तो फॉर दिस आई एम जस्ट गोइंग टू यूज सम पेंसिल कलर्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट टू फिल द कलर्स ऑन इन दिस ड्रॉइंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ ब्राउन कलर टू फिल द वेयर इट्स रिक्वायर्ड. लाइक in the chair I'm just going to put the brown color, in this window part I'm just going to put the brown color, and here also in the kitchen side also some places are given here I'm just going to put the brown color. okay, so I'm going to start with the window. okay, सबसे पहले जो मैं start करने वाली हूँ color वो हम window से करेंगे. तो window से इस color को हम start करेंगे. I'm just going to fill the color इन द विंडो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम जस्ट गोइंग टू फिल बाय द आउटलाइन. ओके, किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइन कलर करने से पहले हम क्या करते हैं, उसकी आउटलाइन करते हैं. तो सबसे पहले ये जो विंडो वाला पार्ट है इसको हम आउटलाइन करेंगे और उसके बाद में इसके अंदर कलर करना हम शुरू करेंगे. ओके, नाउ सी हियर गर्ल्स, आई हैव फिल्ड द ब्राउन कलर विंडो ऑल्सो एंड दिस ग्रिल ऑल्सो. Some two boxes are kept here. I have filled the same color in this both boxes also, in chair also, and this part also. This is cupboard part also. I have filled the brown color. Okay, we have to fill the brown color as it is, which I have filled. Okay, now I'm just going to take a black color to fill in this boy heels. Okay, so we have to apply the same method. So first of all, I'm just going to put the outline. यानी कि हमें चारों तरफ सबसे पहले क्या करना है, हमें चारों तरफ पहले आउटलाइन करनी है ताकि जो हमारा कलर है वो बाहर की तरफ ना निकले. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी एम जस्ट गोइंग टू पुट द आउटलाइन अराउंड द ऑल हेयर्स लाइक दिस. वी हैव टू पुट सम आउटलाइन लाइक दिस वे, देन वी हैव टू स्टार्ट द कलरिंग. नाउ द हेयर्स आई एम जस्ट गोइंग टू पुट सम स्ट्रोक इफेक्ट लाइक दिस. तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द पेंसिल लाइक दिस, देन वी हैव टू गिव अ लाइनिंग इफेक्ट फॉर द हेयर्स. ओके, हेयर्स के लिए हमें यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से लाइनिंग टेक्सचर देकर हमें इसके बालों के अंदर कलर को फिल करना है जिससे कि इसके हेयर्स शो हो रहे हों. ओके, वी डोंट फिल लाइक जैसे कि हमने विंडो के अंदर या फिर हमने बॉक्सेस के अंदर चेयर के अंदर नॉर्मली फिलिंग की है, हमें फिलिंग नहीं करनी है. वी हैव टू गिव द अलाइनिंग टेक्सचर फॉर द हेयर्स. हेयर्स के लिए हमें क्या दिखाना है, लाइन टेक्सचर्स दिखाने हैं. ठीक है, ये इस तरह से फील होगा कि इस बच्चे के हेयर्स शो हो रहे हैं. You have to give only the lining texture. And then one more thing, you have to use only the pencil color for this drawing. Don't use another color, don't use the crayons, or don't use the sketch pen for this drawing. You have to use only the pencil colors. Okay, you have to fill like this. Okay, is tarah se aapko baalon ka texture dena hai. Then afterwards what you have to give, you have to take a skin color. If you're not having the skin color, then you can use the yellow color. Okay, so we have to fill इन हिज बॉडी द स्किन कलर, जो इसकी पूरी बॉडी है, लाइक इसका फेस है, इसका नेक है, इसका हैंड है, पूरे पार्ट के अंदर हमें क्या करना है, स्किन कलर फिल करना है. सी गर्ल्स, हिज स्किन पार्ट इज कम्प्लीट. नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू टेक अ पर्पल शेड टू कम्प्लीट हिज ड्रेस. तो इसका जो ड्रेस है वो, क्योंकि ही इज वियरिंग अ नाइट सूट, इसने नाइट सूट पहना हुआ है क्योंकि अभी ये उठकर आया है, तो इसीलिए इसका जो नाइट सूट होगा वो एक ही कलर में होगा. दैट इज वाई वी हैव टू अप्लाई द अ सिंगल कलर इन हिज होल ड्रेस. ठीक है, इसके पूरे ड्रेस के अंदर हमें एक सिंगल कलर अप्लाई करना है. तो आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई अ मजेंटा शेड, अ पर्पल शेड आई एम जस्ट गोइंग टू अप्लाई. इट इज योर चॉइस, वट एवर कलर डू यू वॉन्ट, यू कैन अप्लाई योर सेल्फ ऑल्सो. ओके, now see girls, his dress is also complete. now I'm going to take again a black color to fill his shoes. यानी कि जो इसने shoes पहन रखे हैं उसके अंदर भी हम black color fill करेंगे.
ओके. आफ्टर फिलिंग द ब्लैक कलर इन हिज शूज आई एम जस्ट टेकिंग स्काई ब्लू टेक्सचर टू फिल दीज बर्नीज. ओके, जो बर्नीज ऊपर की तरफ रखी हुई हैं, इन बर्नीज के अंदर बिकॉज अ ग्लास बर्नीज दैट इज व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द स्काई ब्लू कलर द ऑल बर्नीज. ओके, नाउ सी गर्ल्स, इन द ऑल थ्री बर्नीज आई हैव गिवन अ स्काई ब्लू टेक्सचर. In his cup also I have given the sky blue texture and the plate and spoon also I have given the sky blue texture. Okay, this all items are is from glass, that is why I have given the sky blue texture. Okay, now I'm just going to take a pink color shade for filling in this wall. Okay, back side ki piche jo wall de rakhi hai us wall ko main pink color se fill kar rahi hu. Okay, you also fill with the same color. Now see here girls, the background wall is also complete. I have given a light texture because हमारा जो object है, हमारा ये जो baby है यहाँ पर जो बैठा हुआ है वो अच्छे से दिखाई दे, उसके लिए हमने जो पीछे का जो portion रखा है वो light texture रखा है. You also give the light texture. Okay, now I'm just going to take a red color to fill in this apple. Okay, इसमें जो apple दे रखा है इसके अंदर भी हम रेड कलर से इसको फिल कर देंगे. तो वी हैव टू अप्लाई द सेम मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गिव अ आउटलाइन टू दिस टेक्सचर. ओके, लाइक दिस, देन वी हैव टू फिल दिस. ओके, फिर हमें क्या करना है, इसको हमें कलर करना. ओके गर्ल्स, आफ्टर फिलिंग विद द रेड कलर देयर इज वन लीफ इज आल्सो देयर, देयर आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द ग्रीन कलर. ओके, ये जो लीफ है इसके अंदर हम ग्रीन कलर फिल करेंगे. इन द स्टेम ऑल्सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द सेम ग्रीन कलर. ओके, नाउ योर ड्रॉइंग इज कंप्लीट. ओके, वी हैव टू अप्लाई द सेम शेड विच आई हैव गिवन इन दिस होल ड्रॉइंग. गॉट इट एवरीवन? नाउ दिस ड्रॉइंग इज कंप्लीट. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट दिस ड्रॉइंग. देन दिस इज second part of this drawing. See here, this is also a second part of this drawing. This is also belongs to the this chapter. Okay, ये जो drawing है इसी chapter से belong करती है, ये इसका second part है. अब आपको क्या करना है, you have to complete this drawing according to yourself. Okay, you have to use the same shades. आपको same shades use करने हैं जो हमने first drawing में shade use किए हैं, वही आपको इस drawing के अंदर जो शेड्स हैं वो यूज करने हैं. आपको ये ड्राइंग होमवर्क में कंप्लीट करनी है. इट्स मीन यू हैव टू कंप्लीट टू ड्राइंग्स. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कंप्लीट दिस ड्राइंग, देन आफ्टरवर्ड्स यू हैव टू कंप्लीट दिस ड्राइंग आल्सो विद द सेम शेड्स. ओके, आपको सेम शेड्स यूज करने हैं इस ड्राइंग को कंप्लीट करने के लिए भी, क्योंकि ये जो पार्ट है वो इसी ड्राइंग का पार्ट है. दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस मॉर्निंग ट्री ड्राइंग. ओके, गॉट इट एवरीवन? Okay, on next turn I will send the next drawing. By the time, God bless you. Bye bye.